हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओडी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो आपका जो थ्योरम आपको एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस देता है एक सॉल्यूशन की, उसको हम पिकार्ड थ्योरम बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पिकार्ड थ्योरम आपका क्या कहता है, और फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे कि पिकार्ड थ्योरम अप्लाई कैसे होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके काफी बार CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा। कई बार आपको इसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन है उसका इंटरवल पूछ देता है, तो वो भी आपका पिकार्ड थ्योरम से ही आता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या कहता है आपका पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम आपका कहता है, अगर आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, IVP से मैं से लिख रही हूँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सच दैट dy बाय dx इक्वल टू समथिंग, आपको fx कोमा y दे रखा है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो आपके पास एक इनिशियल कंडीशन दे रखा होगा, इसको हमने मान लिया y x नॉट इक्वल टू y नॉट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। उसके बाद में आप एक रीजन ले लीजिए, लेट r इक्वल टू, एक आपका रीजन है सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू ए, वाई माइनस वाई नोट लेस देन इक्वल टू बी। ओके, ओके, सो आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, dy बाय dx इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। उसके बाद में आपके पास एक रीजन दिया गया है, ठीक है, इस रीजन को इस टाइप से डिफाइन कर दिया गया है, ये एक्स नॉट और वाई नॉट के एक नेबरहुड में एक रीजन हमने ले लिया है जो इनिशियल आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ में कुछ फंक्शन आपका जो एफ एक्स वाई है, ये कुछ सर्टेन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या क्या कंडीशन है? आपका जो एफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस इन आर, ये जो आपने रीजन डिफाइन कर लिया है इसमें फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, एफ एक्स वाई इज बाउंडेड इन दिस रीजन आर। ओके, तो बाउंडेड का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये समथिंग एक नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस रीजन, ये बाउंडेड हो गया। थर्ड, आपका क्या कंडीशन है? आपका जो फंक्शन है इस ये लिप्सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एफ एक्स वाई सेटिस्फाई लिप्सी कंडीशन, लिप्सी कंडीशन ऑन दिस रीजन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लिप्सी कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया है और एक रीजन दिया है, उसके बाद में अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है और लिप्सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इन दिस रीजन, तो आपका ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन द इंटरवल, इन द इंटरवल एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एच। अब ये जो एच है वो क्या होता है आपका? एच इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम। तो ए और बी आपके ये जो रीजन था इसके बाउंड थे, और एम आपका जो फंक्शन जिससे बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पिकार्ड थ्योरम क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, वाई डैश इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद गिवन इनिशियल कंडीशन वाई एट पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, और एक रीजन है आपको, इस जो आपके पास इनिशियल जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके नेबरहुड में एक आपने रीजन ले लिया है आर, उसके बाद में ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये आपका इस रीजन में कंटिन्यूअस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस इस फंक्शन के साथ में होल्ड हो रही हैं, तो ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है आपको,
इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किस इंटरवल में, x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच, और जहां पे h आपका है मिनिमम ऑफ a कोमा b बाई m। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि कई बार आपसे इंटरवल पूछ देता है कि जहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो आपका इंटरवल क्या है। ये आपका जून 15 में पूछा हुआ है और आई थिंक 16 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ देता है कि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे देता है, उसके बाद पूछ देता है कि आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो अभी हम वो देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लिप्शिक कंडीशन क्या होती है। कंटिन्यूटी का हमें पता है, बाउंडेडनेस का भी पता है, अभी थर्ड जो चीज आ रही है लिप्शिक कंडीशन, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे कि जो आपका फंक्शन है वो लिप्शिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी स्क्रॉल इट। ठीक है, सो अब हम एक बार देखते हैं लिप्सी कंडीशन आपका क्या होता है। लिप्सी कंडीशन, ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका, आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिफाइंड ऑन ए डोमेन, डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी इज सेड टू बी सेटिस्फाई लिप्सिक कंडीशन, सेटिस्फाई लिप्सिक कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये जो आपके पास सेकेंड कोफिशियंट है वाई, इसके रिस्पेक्ट में ये लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कब, इफ देर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट, इफ देर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट के सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू, इनका जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए के टाइम्स मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये आपका एक डोमेन पे डिफाइंड है, इसको हम बोलेंगे कि लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सेकेंड जो आपका वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इन दिस डोमेन, अगर आपके पास एक कॉन्स्टेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट f ऑफ x कोमा वाई वन माइनस f ऑफ x कोमा वाई टू का जो मॉडुलस है वो बाउंडेड होना चाहिए किससे, k टाइम्स y1 वन माइनस वाई टू की मॉडुलस से। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है। अब आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, तो वहां से इसको एक और चीज से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं और करके वो डेफिनेशन लिख देती हूँ। वो क्या कहता है कि अगर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स का वाई, ओके, तो ये आपका अगर कंटिन्यूस है, और इससे पहले एक बार हम रीजन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डोमेन की बात कर रहा है और हम अभी हमने देखा कि पिकार्ड थ्योरम में हम एक रीजन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रीजन ले लेते हैं, लेट आर बी द रीजन, वो हमने अगर डिफाइन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, डिफाइंड एज आपका आर क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट समथिंग ए से और वाई माइनस वाई नॉट समथिंग बी। ठीक है, ये हमने रीजन डिफाइन कर दिया है, ओके, अब आपका एक फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस रीजन, डिफाइन ऑन रीजन आर, ठीक है, सच दैट इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज कंटिन्यूअस ऑन आर एंड बाउंडेड ऑन आर। ठीक है, बाउंडेड का मतलब है
इसको मैं लिख सकती हूँ आई करके, आपका जो डेल एफ अपॉन डेल वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन समथिंग कुछ के होना चाहिए। बाउंडेड का यही मतलब होता है, अगर आपका ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है इस रीजन आर पे, तो आपका जो फंक्शन होता है देन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई लिप्सिक कंडीशन, सेटिस्फाई लिप्सिक कंडीशन ऑन दिस रीजन आर। ठीक है, तो एक तो हमने बाय डेफिनेशन देख लिया था, ठीक है, और सेकंड आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास एक रीजन दिया हुआ है आर और एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स कोमा वाई इस आर पर जो डिफाइन हो रखा है, अब उसके बाद में इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आपका कंटिन्यूअस और बाउंडेड है इस रीजन आर पे, तो आपका जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा लिप्सिक कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ से आप जो थर्ड कंडीशन था वो चेक कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे ये सिर्फ वन वे ट्रू है, ये जो आपका लिप्सिक कंडीशन का है, मतलब अगर आपका फंक्शन जो है वो लिप्सिक कंडीशन है तो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है या बाउंडेड, वो कुछ भी हो सकता है, बट हमारा अगर कंटिन्यूअस और बाउंडेड है तो वो जो फंक्शन है वो आपका लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन आपका है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे दी है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू रूट वाई, वाई जीरो इक्वल टू ए हैच। अब पूछ रहा है आपका, ठीक है इसी को करते हैं, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इफ ए लेस देन जीरो, बी नंबर ऑफ सॉरी नो सॉल्यूशन इफ ए पॉजिटिव आपका, सी कहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ए इक्वल टू जीरो, डी कहता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इफ ए पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है, सब कंडीशन दे दी है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कंडीशन किस पे दे रखी है, इस ए पे, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, टू रूट वाई। ओके ठीक है, और इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो गया आपका, टू इंटू वन बाई टू इंटू वन अपॉन रूट वाई, मीन्स वन अपॉन रूट वाई हो गया। तो अगर आपका ये डेल एफ अपॉन डेल वाई हमेशा, तो आपका यहाँ पे बाउंडेड नहीं होगा, आई थिंक वाई इक्वल टू जीरो पे दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिकार्ड थ्योरम तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर अब क्या करें, तो एक बार इसका नॉर्मली सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं, जो सिंपली हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अगर निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी वाई अपॉन में रूट वाई इक्वल टू टू डी एक्स हो गया, और यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा टू रूट वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद में आपका इनिशियल अगर ये कंडीशन रखेंगे वाई जीरो इक्वल टू ए, तो ये आपका इम्प्लाई कर देगा एक्स की जगह टू रूट वाई इक्वल टू आपका सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी वाई की वैल्यू तो ए हो जाएगी ना आपकी, तो यहाँ से आपका सी इक्वल टू आ गया टू रूट ए। ठीक है, तो आपका ये आ गया टू रूट वाई टू एक्स प्लस टू रूट ए। इनफैक्ट अगर आपको इस
इसको ऐसे भी लिखना चाहिए वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस रूट ए, ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस में आपका ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और एक एक ए इक्वल टू आपका जीरो हो सकता है। अब अगर ए आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है, सॉरी ए अगर आपका नेगेटिव हुआ, तो ए नेगेटिव होने पे इसमें देखिए, एक सेकेंड, तो अगर ए आपका नेगेटिव आ जाता है तो ये चीज सी इक्वल टू आपका इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी आपका रियल नंबर आना चाहिए। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ए नेगेटिव पे आपका कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ से तो आपका फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि ए इक्वल टू जीरो करने पे, ए इक्वल टू जीरो पुट करने पे सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहां से आपका रूट वाई इक्वल टू हो गया टू एक्स, इसका मतलब वाई इक्वल टू हो गया आपका टू, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया था ना, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ए इक्वल टू जीरो हुआ तो आपका सॉल्यूशन आ गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है, जीरो जीरो भी एक सॉल्यूशन है, वन वन भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर a जीरो हुआ तो आपके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आ गए, तो c आपका ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। अब डी देखिए, ये कह रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पर यहाँ पे इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन आ गया है, तो डी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू जीरो पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। अब बी कह रहा है अगर ए पॉजिटिव हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा, बट अगर ए पॉजिटिव हुआ तो आपके पास रूट वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट ए आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर ए पॉजिटिव है तो ये भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, तो यहां से आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, अगर ए आपके पास पॉजिटिव होगा तो। और ये कह रहा है नो सॉल्यूशन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिर्फ ट्रू हो गया, और ये आपका पूछा गया है जून 15 में, ठीक है, तो ये आपका जून 15 में पूछा गया है, ओके। अब एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका जून 15 में, जहां पे आपसे इंटरवल निकाला, ये तो सॉल्यूशन पूछ लिया आपसे, एक पूछा है आपके पास में दे दिया है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स पॉजिटिव दिया है, और y जीरो इक्वल टू जीरो दे दिया है। उसके बाद में पूछ रहा है लार्जेस्ट इंटरवल, लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस तो सॉल्यूशन, ठीक है, इसने स्पेसिफाई भी कर दिया है प्रेडिक्टेड बाय पिकार्ड्स थ्योरम इज, ठीक है, आपके पास में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया है, उसके बाद में पूछ रहा है कि आपका ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, और इंटरवल कहाँ से मिल रहा है आपको, पिकार्ड थ्योरम से, तो यहाँ से तो डायरेक्टली बोल दिया, तो आप पिकार्ड थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन भी मैं लिख देती हूँ, 0.1, 0.5 और 0.1/3, डी आपका हो गया 0.1/4, ठीक है। चलिए अब हमें पता है कि पिकार्ड थ्योरम से हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था वो हमारा कहाँ कर रहा था, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच में, और एच आपका कहा क्या हो रहा था, मिनिमम ऑफ ए बी बाई एम, और एम आपका क्या था, बाउंड ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, इतना हमें पता है पिकार्ड थ्योरम से। तो चलिए अब देखते हैं हमारा यहाँ पे हमारा एफ एक्स वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स
ठीक है, एक्स नॉट हो गया जीरो, वाई नॉट हो गया जीरो, ठीक है। अब एक रीजन आप मान सकते हैं, रीजन हमारा था एक्स माइनस एक्स नॉट तो जीरो है, तो ये लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए, और वाई माइनस वाई नॉट ये भी जीरो है, ये लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, पिकार्ड थ्योरम इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये बाउंडेड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप लोग ये चीज देखेंगे, इसका मॉड्यूलस, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 से छोटा होगा इसका मॉड्यूलस, और वाई स्क्वायर का देखिए, वाई मोड वाई का जो आपका मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, तो इसका जो आपका एम आ जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का बाउंड होता है वही हमारा एम होता है, तो ये हमारा एम हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया, बाउंडेडनेस भी हो गया। थर्ड आप चेक कर लीजिए लिप्सिक फंक्शन, तो लिप्सिक के लिए हमने देखा था कि डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर बाउंड होता है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, 2y, और इसका मॉडुलस लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका 2b से, ठीक है। तो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई 2y आया है, ये आपका कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है, तो आपका लिप्सिक कंडीशन होल्ड हो रहा है। तो अब हम पिकार्ड थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि पिकार्ड थ्योरम से जो एग्जिस्टेंस का जो इंटरवल है वो आपको चेक करना है, बट फिर भी हमने यहाँ पे इसलिए चेक कर लिया कि हम देखना चाह रहे थे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इंटरवल निकालते हैं, तो इंटरवल आपका निकलेगा एक्स माइनस एक्स नॉट जीरो है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच, और एच आपका क्या मिल रहा था, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम, एम आपका है बी स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है। अब एक बार इसका मिनिमम या मैक्सिमम देख लेते हैं, क्योंकि आपका फंक्शन बन रहा है, तो मैं किसी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम कैसे देखते हैं, अगर इसको मैं 5b मान लूं बी स्क्वेयर प्लस में 1, तो मैं इसका एक बार डेरिवेटिव को 0 पुट करके देख लेती, तो वो जो पॉइंट आता है वो हमें मिनिमा या मैक्सिमा या जो भी होता है वो देता है, तो 5b इक्वल टू 0 से आपका इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, तो बी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2b अपॉन में बी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपका यहाँ से ये चीज 0 हो गया, तो आपका कैलकुलेट करेंगे तो b इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मोड y लेस देन इक्वल टू b है, तो b आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, बी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बी माइनस 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ से बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1 हो गया। अब 1 पे आपका मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो, ठीक है, जो भी आएगा मिनिमा या मैक्सिमा इसी पे आएगा, ठीक है। तो आप इस पे पुट कर दीजिए इसमें ए, और 1 पुट किया तो 1 अपॉन में 1 2 हो गया, ठीक है। तो एच आपका जो आ गया वो 1/2 हो गया, ए और 1/2 में जो मिनिमम होता है 1/2 आ गया, तो यहाँ से आपका जो इंटरवल बन गया वो क्या हो गया, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है, और मोड है इसलिए ये आपका 0 से बड़ा होगा, और क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्या दे रखा है, एक्स जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ से आपका हमारा क्या है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, हमारा आ गया है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, और ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंटरवल क्या आ गया, 0,1 नहीं, 0,5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू आ गया, सी भी रॉन्ग और डी भी रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली पिकार्ड थ्योरम इसने लिख दिया है कि पिकार्ड थ्योरम से आपको इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सा है, हमें जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसी को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इससे से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त।